दोस्तों, ये मेरा लुम्बिनी का पांचवा और अंतिम एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आपको जर्मन टेंपल और वर्ल्ड पीस स्तूपा हम आपको दिखाएंगे, जो बहुत ही शानदार, दोनों मंदिर बहुत ही शानदार है और अब तक का एक सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। तो हम आपको इन मंदिरों को आज दिखाएंगे और चलिए इन मंदिरों में देखते हैं कि क्या है। और इससे पहले के चारों मंदिरों को जो मैंने दिखाया वो आपको कैसा लगा तो आप इन सबको जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जर्मन टेंपल से। आइए हम जर्मन टेंपल को सबसे पहले देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत है जर्मन टेंपल और मैं अभी आपको वो सब नज़ारा मैं दिखाऊंगा जो आपको देखने लायक है और देखने भी लायक है और यहाँ आने भी लायक है। तो आप जब भी यहाँ आइए, यहाँ पर तो ज़रूर ही आइए। और यह मंदिर लोटस तालाब के बगल में है और चीनी मंदिर के पीछे यह है, जिसको जर्मन मंदिर स्थित हम बताते हैं। और हालांकि जर्मन मंदिर तो है लेकिन यहाँ पर जर्मन कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है। यहाँ पर जो भी है आपको जो है तिब्बती बौद्ध मंदिर की तरह मिलेंगे सभी। तो इसमें जर्मन बौद्ध भिक्षु कोई नहीं है, सभी तिब्बत बौद्ध भिक्षु हैं। और इसके अंदर जो सामान हमें देखने को मिली है बहुत शानदार है। और ये बताते हैं कि जर्मन ही जो है इस स्थान की खोज किया था। सबसे पहले इतिहास में जर्मन ही ऐसे थे जो लुम्बिनी की खोज किए थे। तो इस नाते इस मंदिर में वो सब सामान देखने को मिलेगा जो उस समय यहाँ पर पाए गए थे। और देखिए, ये मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। और इस मंदिर की एक खासियत बताते हैं कि इस जर्मन मंदिर जो है ये पानी चुनकर बनाया गया है। पानी कैसे चुनकर बनाया गया तो मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखिए ये भित्त चित्र आपको सभी कालों के देवताओं को देखिए इस पर दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध की जन्म से लेकर के और लास्ट तक किस तरह का पूरा जीवन रहा ये सब दर्शाया गया है। पूरी भित्ति चित्र बनाई गई है जो बहुत ही शानदार दिखती है। और देखिए बनावट और नक्काशी बहुत खूबसूरत भाई। तो आप जब देखिए, इसके सामने आपको मैं देखिए तीर से दिखा रहा हूँ कि वह कुछ सामान रखे हुए हैं, तो वो सामान नए नहीं हैं, वो पुराने हैं। उसको ऐसे रखा गया है कि वो आने वाले टाइम तक, वो काफ़ी दिनों तक जो है वो इसी पड़ा रहे और लोग देखते रहें। भगवान बुद्ध की बहुत सी कहानियाँ हैं जो उनको, उन कहानियों को इन्हीं दीवारों पर दर्शाया गया है। तो आपको इन दीवारों पर देखने को मिलेगा। और बहुत शांत व्यवस्था है यहाँ, बहुत ही शांति व्यवस्था है। आप यहाँ बैठ सकते हैं आधा घंटा एक घंटा तक, मन प्रसन्न हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देखिए, क्या नक्काशी। एक तक तो मैं भी कुछ देर तक देखता रह गया इनकी नक्काशियों को। तो नक्काशियों को देख के मैंने भी बहुत भाई आनंद लिया। तो ये मंदिर बहुत खूबसूरत है, जितना देखने में लग रहा उतना ही खूबसूरत है। देखिए, इनकी पुरानी ऐतिहासिक सामानों को बहुत सजो कर रखा गया है जो आने वाली पीढ़ियां भी इनको देखती रहे। और देखिए ये भित्ति चित्र कितने शानदार हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आ रहे हैं देखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों, मैं फिर बता दूं आपसे कि हमारे चैनल यश कंप्यूटर ट्रेवल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, जिससे हमारा वीडियो आने के बाद सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस नाते प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर इसे कमेंट दें, जिससे हम आने वाली और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और किस टाइप का वीडियो हम आपको और बनाएं जिससे आप हमें बता सकते हैं। तो देखिए, इस मंदिर से हम अब बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या है। देखिए, इन बाहरी दीवारों पर भगवान बुद्ध की कहानियों को चित्रित किया गया है। तो आइए हम बाहर चलते हैं और ये खूबसूरत बागीचे का आनंद लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत बागीचा है और आप ये देखिए इन बागीचों को क्या शानदार बनाया गया भाई। एक देखिए, बहुत ही शानदार बागीचा है, इसमें फूल पत्तियाँ बहुत ही शानदार तरीके से लगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत महत्व है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है ये चीज़। भगवान बुद्ध के जीवन को बदलने का यही तीन जरिया था, जिसमें देखिए बोर्ड पर दिखाया गया है दुख, वृद्धा और मरणासन। और इसके बाद देखिए, ये एक मान्यता है कि यहाँ पर इस चक्र को चलाया जाता है भगवान बुद्ध से संबंधित, जिनके जीवन में खुशहाली आए। तो ये देखिए, बहुत ये आपको चारों दिशाओं में मिलेगा ये चक्र चलते हुए। और भगवान बुद्ध का जो
उनका भाग्य बदला, वह इन्हीं तीन दुखों से जो है आपका दुख, वृद्धा और मरणासन, इसी से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई और इसके बाद वो अपने आप को बदल सके। और ये देखिए बागीचों का सुंदर नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है, देखिए। देखिए और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पैसे लोग फेंकते हैं और कहते हैं जब पत्थर पर टिक जाए तो समझिए आपका भाग्य अच्छा है। तो देखिए पैसे फेंक करके और ट्राई किया जा रहा है और देखिए फिर बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ खूबसूरत नज़ारा। और अब इसके बाद हम चलेंगे वर्ल्ड पीस स्तूपा जो बहुत ही शानदार और वो लास्ट है और लुम्बिनी की ये लास्ट हम आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ स्टीमर की व्यवस्था, आप स्टीमर का मज़ा ले सकते हैं, बहुत शानदार व्यवस्था है। और मैं आपसे बता दूं कि आप हमारी चैनल यस कंप्यूटर ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करें। और देखिए दोस्तों यही एक ऐसा जगह है जहां पर आपको कुछ खरीदने को सामान मिल सकता है, बाकी अन्यथा पूरे लुम्बिनी में आपको नहीं मिलेगा। अब हम पहुंच गए वर्ल्ड पीस पैगुंडा और चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। और यहाँ बहुत ही शांत व्यवस्था है और वर्ल्ड पीस पैगुंडा एक स्तूप है और इस स्तूप को हम अब दिखाते हैं। इस स्तूप के चारों तरफ हरियालियाँ हरियालियाँ हैं और इसकी बहुत खास वजह है वर्ल्ड पीस पैगुंडा का। तो यह स्तूप जो है काफ़ी पुराना है जिसको अब ये डिजाइनिंग बना दिया गया है और देखिए आपको हरियाली दिखाई दे रही है सब नज़र। और इसमें वर्ल्ड पीस इसमें स्तूपा में चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध की तस्वीरें लगी हुई है और इसका मतलब ये है कि विश्व के चारों दिशाओं में शांति स्थापित हो। तो इस स्तूप को आइए हम नज़दीक से आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं। और दोस्तों ये लुम्बिनी ट्रिप का हमारा ये लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम आपको नए वीडियो के साथ नए जगहों पर मिलेंगे। तो आप आइए तब तक ये देखिए इस स्तूप को हम आपको दिखाते हैं। ये सफ़ेद पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से ये बनाया गया है और बहुत ही शानदार बनाया गया है। हम इसके ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखिए आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए सामने का भाग जो है बगल में देखिए ये चारों तरफ अभी खाली एरिया है। और भगवान बुद्ध का एक बड़ा उपदेश था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने पूरी विश्व में अपनी एक पहचान बनाई और एक छाप छोड़ी और उन्हीं के अनुसरण करके आज लोग चल रहे हैं बौद्धिस्ट लोग। और उनका संदेश ऐसा है कि हर धर्मों के लिए सही है। और देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है ये स्तूप पर ये इसी तरह से जो तस्वीर है चारों दिशाओं में बनाया गया है। और देखिए इसके बगल के अगल बगल सब खाली भाग है, काफ़ी दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये हम अपनी वीडियो को इसी स्तूपा के साथ समाप्त करते हैं इस आशय से कि हम अगले नए जगहों पर जल्दी से जल्दी हम आपको एक नया वीडियो लेकर के आएँ और आपके लिए एक जितना बढ़िया से बढ़िया हम वीडियो आपको दिखा सकें। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल यश कंप्यूटर ट्रेवल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें जुड़ेंगे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे हमारी वीडियो आप तक उतना ही जल्दी पहुंचेगी। तो इस भगवान बुद्ध के अहिंसा परमो धर्मों के साथ हमें विश्वास है कि हम अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।